वी भारत न्यूज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के कस्बा सौरिक में। कस्बा सौरिक में हाईवे कट पर मौजूद है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बहुत से सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग चार घंटे हो चुके हैं यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। इनके इंतजार में यहाँ पर बहुत से उनके सपोर्टर समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, क्या लगता है आपको, क्या अखिलेश यादव रुकेंगे यहाँ पर? हो सकता है रुकें, आ तो रही। कितनी उम्मीद है कि अखिलेश यादव यहाँ रुक सकते हैं? रुक सकते हैं, पब्लिक देख के रुकेंगे। ये सब समाजवादी के आदमी खड़े हैं। अगर नहीं रुके तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उन्हें खाली रोड को नमस्ते करके घर जाएंगे। जब वो रुकेंगे ही नहीं तो नमस्ते किधर करेंगे, कि गाड़ियों को कर देंगे? गाड़ियों कर देंगे भाई, हमें तो उनसे लगाव है, तो उनकी हर चीज से लगाव है भाई। समाजवादी पार्टी के बहुत ही कट्टर सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो नहीं रुकेंगे तब भी कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं, उनसे नाराज नहीं हैं। और भी समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है तुम्हें, आज अखिलेश यादव आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, क्या रुकेंगे? बिल्कुल रुकेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं करते हैं। अगर उनकी नज़र पड़ी तो बेशक रुकेंगे हम समाजवादियों को देख के। लेकिन हम ये पता लगा है कि चार घंटे से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्या लगता है कि कितना इंतजार और करवाएंगे? कोई नहीं, चार या आठ घंटे हो जाए, हमारे नेता की दीवानगी ऐसी है कि लोग पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं। कोई वजह रही होगी लेट होने की, और हमारे नेताजी आने वाले हैं और जल्द से जल्द जो है हम लोगों का जो है मुलाकात उनसे होगी। ऐसा है, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जो लखनऊ से निकले तो जगह जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं, और जब कार्यकर्ता मिलते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रुकते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और कर लूँगा। कार्यकर्ताओं की भी ये शिकायत रहती है कि कोई नेता आता है, कोई छोटा नेता है बड़ा नेता, जब वहाँ से गुजरता है जहाँ पर कार्यकर्ता इंतजार करते हैं, तो उसकी ये शिकायत रहती है कि नेता इतना लेट क्यों होते हैं। और हर कार्यकर्ता का भी यही रोना है कि हमारे नेताजी टाइम देते हैं कुछ और आते किसी टाइम पर हैं, लेट क्यों होते हैं, ये सवाल तो यही उठता है। नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेता नेता होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमुख समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल भी हैं, तो हो सकता कुछ ना कुछ समस्याओं में कहीं ना कहीं कोई बिजी हो जाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो बजे वो जानते होंगे, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं हाईवे। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? उस बारे में ये कहना चाहिए कि नेताजी को जो टाइम दिया है या आ रहे हैं, तो मतलब जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको जल्दी आना चाहिए, टाइम भी हो रहा है। और आगे जो है बोलो फिर, तो हम तुम्हारे बारे में क्या लगता है ये बताइए कि क्या वो रुकेंगे कि अब नहीं रुकेंगे? रात हो चुकी है। हाँ रात हो चुकी है भाई, नेता है रुकेंगे जरूर, देखेंगे भीड़ है ज़्यादा है तो भीड़ को देख के रुकेंगे। अच्छा ठीक है, आपको उम्मीद है ये रुकेंगे? उम्मीद पब्लिक को है हमारी, क्या अकीदा है? ठीक है, देखते हैं कि हम यहाँ पर इनके साथ में मौजूद हैं अभी हाईवे कट पर, और देखेंगे आखिर वो यहाँ पर रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, और हम भी इनके साथ में थोड़ा इंतजार करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके नेता यहाँ पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। कैमरामैन हैदर अब्बास के साथ, जिला ब्यूरो मुसर्रत अली के साथ, अबुल कलाम, डी भारत न्यूज़ सौरिक।